क्या बात है, क्या गपशप चल रही है? अरे इलायची बेटा, गपशप क्या, मतलब बड़ी गंभीर बात चल रही है। बात ऐसी है कि हम ये सोच रहे थे कि तेरी बाकी की जिंदगी के लिए जो है अपनी आंखों के सामने तेरा प्रबंध कर दें, तो उस छन को जो है इलायची पापा पंचम, अरे हाँ पंचम को अपने परिवार का हिस्सा बना ले और उसके साथ जो है रिश्ता जोड़ दे। रिश्ता? हाँ देख देख, मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सोच विचार के बाद जो है ये फैसला लिया है, और इलायची बेटा हाँ तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपको पता है ना क्या बोल रहे हैं पापा, मतलब पिंटू भाभी का क्या? हाँ उसका क्या, मुझे तो लगता है कि उसे कोई परेशानी ना होनी चाहिए। हाँ बेटा, पिंटू ना बिल्कुल तेरी बड़ी बहन की तरह रहेगी। हाँ है? हाँ बेटा देख देख, मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि ये सुनने में जो है तुझे थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब जो है तेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ बेटा। सुन जा और पंचम को बोल कि सेठ जी है ना उसे चाय पे बुला रहे हैं, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जा जा ना, जा जा हाँ जा जा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टंटा ना हो रखा है। खाने में क्या है यार, जल्दी खिला, भूख लगी बड़ी। हाँ हाँ बैठिए, जहाँ पर ना आप बैठिए, मैंने ना आपके लिए तेरह तरह के पकवान बनाए, तो क्या है ना कि आपकी तिजोरी में बस इतने ही पैसे निकले, नहीं मैं तो 26 तरह के बनाती। अबे क्या चोमू आदमी है यार तू, ये बीवियों की तरह हर बात पे ताना क्यों देना शुरू कर दिया तूने आजकल, क्या हो गया भाई? सिंपल सीधा जवाब दे, खाने में क्या बनाए? हाँ तो सीधा सीधा सुन, सीधा सीधा टिंडा और सीधी सीधी रोटी। क्या अबे यार तू रोज रोज टिंडे क्यों बनाता है, मार्केट में और कोई सब्जी भी मिलती होगी कि नहीं? मिलती है ना मार्केट में, वो सब्जी वाला मेरा जेठ हो रखा है, जो मेरा घूंघट उठाएगा अब मुंह दिखाए में सब्जी पकड़ा देगा। फालतू की बात ना कर, खाना है तो खा, नहीं जा। अबे क्या करी जा रहा है यार ये? ये ले। ठीक, हटा इसे। पता नहीं इसके अंदर क्या क्या डालता रहता है। कहां से सस्ती सस्ती उठा लाया? जीजा जी छत पर है। हाँ आ गए इलायची जी। आइए आइए बैठिए। जीजा जी छत पर है। जी जी इलायची जी, जीजा जी का तो जन्म इस छत की बरसाती पर रहने के लिए हुआ है। खैर आप बताइए। वेरी फन। वैसे मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। क्या? शायद मेरी लला 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 फिल्म में आया है, इसलिए पापा ने आपको चाय पे बुलाया है। चाय पे बुलाया? ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी, हमारी समझ में नहीं आ रहा, चाय पे बुलाया सेठ जी ने? अरे अब जिससे बेटी का रिश्ता जोड़ना होता है उस तो चाय पे बुलाना ही पड़ता है। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी, हम तो पहले से ही शादीशुदा है, और वैसे भी एक जन्म में एक बीवी काफी होती है, और हमारी वाली तो मतलब आधी भी दो जन्म तक चल जाए ऐसी है। देखिए मेरे मॉडर्न वाले मम्मी पापा ने कहा है कि ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी पिंटू भाभी मैं बहने मैने बन के रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है पिंटू भाभी? ना ना हमें कोई प्रॉब्लम ना, अब देखो सेठ जी ने कहा रिश्ता होगा तो फिर जरूर होगा। इलायची जी ये नहीं हो सकता, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, सॉरी आप सेठ जी को बता दीजिए। जीजा जी आप चाय पीने आ रहे हैं या नहीं? और अगर आपका जवाब ना है ना तो समझ लीजिए लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। अरे इलायची जी आप ना चिंता ना करो, आप बस निश्चिंत हो के अदरक वाली चाय बनाओ, इसे तो मैं ठोक पीट के लाता हूँ। मतलब मैं कह रही थी कि इनको मैं समझा बुझा के लाती हूँ नीचे, आप चाय बनाओ चल के अदरक वाली। हाँ, स्मार्ट गर्ल। दर दरे ला 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 ला। अच्छा क्या बात है छोटे, आज तो सुबह सुबह रेडियो हुए जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरवाजी मैं ये कह रहा हूँ आप समझोगे ना, असल में बात ऐसी है मुरारी सेठ जी मुझे गोद लेने वाले हैं। देख रहा मंगीलाल तू कैसा बावड़ा हो रखा है ये। अरे सेठ जी मुझे बेटा बनाने वाले हैं वारिस। सेठ जी को भी तो चाहिए कि उनके बाद कोई उनकी ये सारी प्रॉपर्टी, लहंगे की दुकान, इतना जब माल पानी जोड़ रखा है, वो कौन सहारा चाहिए उन्हें, तो वो सहारा मैं बनूंगा। और देख ऐसा है छोटे, पिंकी जी को ना शुरू से
मुरारी सेठ में ना अपने पिताजी की छाया दिखती है। तुझे पता पिंकी जी के पिताजी भी ऐसे थे, छोटे से, नाटे से, क्यूट से एकदम। दरोगा जी, ये फालतू की बातें ना करो। तुम्हारे तो खुद के माँ बाप तुम्हें पैदा करके पछता रहे हैं और पूरे मोहल्ले से, पूरी दुनिया भर से माफी मांगते फिर रहे हैं कि कहाँ से ये रसोईया पैदा कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, सेठ जी मुझे गोद लेंगे, मतलब सिर्फ मुझे गोद लेंगे। ये अपनी बात खोपड़ी में घुसा लो। एक छोटे, ये जिद तू छोड़ दे बस। पिंकी जी बोल रहे वरना। वरना क्या, वरना क्या, बोल। बेटा बनूंगा तो मैं, ये बात अपनी भेजी में घुसा लो। मैं अभी देखता हूँ, अभी के अभी फैसला करते हैं। पिंकी जी ला भाई डंडा तातू इधर। अरे मैं जाऊंगा गोद में, धक्का किसको दे रहे ऐसे? अरे धक्का किसको दे रहे? ए बात ए बात में खोपड़ी खोल। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अरे मेरी बात सुन, एक मिनट। अबे तू कैसी बातें कर रहा है? अबे यार क्या मेरी मार रहे हो? एक मिनट रुको दरोगा जी। छोटे पिंकी जी को ये फिजिकल हो रही है। दरोगा जी क्या तरीका है ये? अरे बाजार में तुम लोग एकदम उनकी तरह लड़ रहे हो, छोटे लोगों की तरह। ये कोई तरीका है? है? क्या है ये, क्या है? बोल सेठ जी, झगड़ा पहले इस पिशाच ने शुरू किया है। मेरे सामने मेरे मुंह पे बोल लिया है, मेरे जीते जी तुम इसे गोद ले रहे हो। गोद ले रहे थे, शक्ल देखी है तुमने? तेरे रुक जा। अरे तेरे तुम। अरे एक मिनट, एक मिनट, गोद क्यों? गोद गोद नहीं, ये डरा क्यों रहा है? एक मिनट, गोद क्यों लूं? अपने सर पे ना ले लूं तुम लोगों को? बात कर रहे हो बेकार की है? सुनो, मैं तुम लोगों में से किसी को गोद ना ले रहा। मुझे पता था सेठ जी आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, मुझे आपका बेटा बनने से कोई रोक नहीं सकता, मैं आपका बेटा बनूंगा। कान खोल कर सुन लो तुम लोग, बेटा उसे बनाया जाता है जिसे देख के अंदर से भावना जागे कि हाँ ये मेरा बेटा हो सकता है, लेकिन तुम में से किसी को देखकर मुझे अंदर से ये भावना ना आ रही। एक मिनट सेठ जी, आप इधर पिंकी जी के से चेहरे की तरफ देखिए, एकदम इनोसेंट, कैसे एकदम, मतलब वो टपक रही है, वो जो होती है मासूमियत। जब आप बचपने में खेल रहे थे ना, तब मैं अपनी माँ के पेट में था। उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे आपसे पहलागू कहना चाहिए। भावना जाग रही? कोई भावना ना जाग रही देख के तुम्हें। क्या कह रहे हैं? मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। बोल। अरे अगर ये भावनाएं मैंने तुम्हारे दिल में, मतलब तुम्हारे अंदर जगा दी तो? अरे तब की तब देखी जाएगी। और इलायची कैसी है? तेरी हड्डी का चूरमा बनाने आ रही है। अरे हटो यार दरोगा जी। अरे सब बेटे बन जाओ मेरे। सेठ जी, सेठ जी देखिए, हमें बहुत जोर से आपसे एक बात कहनी। जोर ना, तू बाद में लगा लियो, पहले मेरी बात सुन। देख क्या है कि मैं और करू अपनी उम्र से भले ही 20 साल छोटे लग रहे हो, लेकिन उम्र तो बढ़ती जा रही है ना, समझ गया है ना? इसलिए ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए, भैया क्या पता। सेठ जी हम ये कह रहे हैं कि भैया बुलावा कोई दे, जाना जरूर चाहिए। अब हमारी अम्मा ने तो हमको यही सिखाया है, मतलब इच्छा ना हो तो नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, समय समय की बात होती है। देखिए सेठ जी, जीवन तो किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन हम दिल से यही चाहेंगे कि आपको हमारी और पिंटू दोनों की उम्र लग जाए, आपकी छत्र छाया हम पे हमेशा बनी रहे। अरे लेकिन जीवन की छतरी में अगर छेद हो जाए तो मुसीबत की बारिश ना सब भाग ले जाती है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इलायची के लिए एक बरसाती का इंतजाम कर जाए, भाई इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है। रुक जाओ, मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे ऐसे शुभ मौके पे जो है तेरे भाग्य फूट रहे हैं। अरे आज तो नए रास्ता जुड़ने वाला है। सुनो तुझे क्या लगता है, जीजा जी हाँ ही करेंगे ना? यार मेरी दिल की धड़कन ना मतलब करंट मार रही है। यार इलू करंट वरंट छोड़, अब तो तुझे जीजा जी पे बिजली की रानी है। इलू पिछली वाली सेल्फी। अरे आ गई। अरे आजा आजा बेटा इलायची, आजा 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 सेल्फी। ओ हाँ सेल्फी भी लाई है ये अपने साथ है। समोसे बैठ बेटा, बैठ बैठ बैठ। अरे समोसे।
आराम से सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, वो कंट्रोल तू भी ले ले। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम ले ले लिए सेठ जी, दो ले लिए तो। देखिए सेठ जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि हम पहले से शादीशुदा हैं, हमारी शादी हो चुकी है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि तू कच्ची कली हो रखा है, तेरी शादीशुदा होने का इस बात से क्या संबंध है भाई? अरे सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, आप हम आपके खुले विचारों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पिंटू जो है हमारी बीवी है, और जो पिंटू है उन्हें कभी भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम किसी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, पिंटू जो है। फिर भाई बात, फिर तू वही बात कर रहा है। अरे तो क्या हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? मिसेस पंचम से हम पूछ लेते हैं। मिसेस पंचम जी, सेठ जी एक बात बताइए कि आपको इस रिश्ते से कोई दिक्कत है? सेठ जी देखो, आप पूछ रहे हो तो हम सही सही बताएंगे भैया, झूठ ना बोलेंगे, सच बता रहे हैं आपको। हम ना गुग्गू की खुशी में ही हमारी सब खुशी है, और इस रिश्ते से हमको ना कोई आपत्ति है ना कोई विपत्ति, हम बहुत खुश हो रखे हैं। देखा, मिसेस पंचम को इस रिश्ते से कोई दिक्कत ना हो रही, और तू बहाने बहाने बनाया जा रहा है। भाई दोनों बहनें आपस में आराम से रहेंगी है? पिंटू की वजह से ही तो हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। आंटी जी आप भी, आंटी जी आप तो जानती हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हम इतनी मुश्किल से अपना खुद का गुजारा कर पाते हैं, और बुबू को ऐसे टिंडे लौकी खिला खिला के गुजारा करवाते हैं, हम कहां से इलायची जी को रखेंगे? अरे तूने फिर एकदम छोटी बात कर दी तूने। देख ये मकान, ये दुकान जो है सब इलायची का ही तो होगा, और जब तुम उसका ख्याल रखोगे तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखिए सेठ जी, हम क्या कह रहे थे कि ना ना ना, इसमें समझना क्या है, बस ये समझ ले रिश्ता पक्का समझूंगा तो। अच्छा एक मिनट इलायची बेटा, तुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत है? पापा मेरे संस्कार मुझे मेरे माता पिता के सामने चूं तक करने की इजाजत नहीं देते। अरे अरे वाह, लेकिन मेरी ये समझ में ना आ रहा है कि तू ऐसे कैसे सुधर गई है। लेकिन चलो अच्छा ही है, करूं मैं वकील साहब से कह के गोद लेने के पेपर बनवा दे के लिए कह देता हूँ। हाँ। हैं गोद लेने के? हाँ अंकल जी, पर गोद क्यों लेना है, इलू शादी के बाद खुद से बच्चे पैदा कर लेगी। अरे कैसी बातें कर रही है तू सेल्फी, शादी शुदा होगी उसके बाद ही तो बच्चे करेगी, अभी तो हम जो है इस टंटन को गोद लेने की बात कर रहे हैं। गोद लेने जा रहे? हम समझे नहीं सेठ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे इसमें समझना क्या है, अब तक तो यही बात चल रही थी कि मैं तुझे अपना बेटा और मैं तेरा बाप, और तू इलायची का भाई होने वाला है। देखिए सेठ जी, हम कुछ समझे नहीं कि मतलब हम गोद, ये मतलब अरे कैसे ना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है ये बात थोड़ी सी सोच विचार करने के बाद ही हमने ली, ऐसे समझ ले तू, समझ रहा है? और वैसे भी वकील साहब को ये गोद लेने के कागज बनाने में एक पूरी रात निकल जाएगी, तो तू भी पूरी रात एकदम आराम से सोच समझ ले। हाँ। ऐसा कोई दबाव ना है हमारी तरफ से। हाँ। है ना, देख अगर तूने हमारी तरफ से मुंह फेरा तो हम तेरी तरफ से पीट कर लेंगे। फिर तू समझ ये दुकान ये मकान सब गए तेरे हाथ से, बाकी हमारी तरफ से कोई दबाव ना है, सोच ले तू। नहीं नहीं ओ सुनीता जी से, हाँ सुनीता जी से सुन ली ऐ मेरी सखी, क्या कवर थी मुलाकात हो जाएगी। अरे सुनीता जी से सुन ली ऐ मेरी सखी, क्या कवर थी मुलाकात हो जाएगी। मैं क्या कर रहा है तू, और ये कहाँ गया था तू घूमने, और ऐसे लड़का बन के क्यों घूम रहा है? अरे ओए लड़का बन के ना घूम रहा हूँ साले, मैं लड़का ही हूँ। फालतू बकवास मत कर पिंटू, तुझे कितनी बार समझाया ना मैंने, अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो बैंड बज जाएगी। तो बजवा लेंगे बैंड, क्या दिक्कत है, अब वैसे भी जब ऊपर वाला बैंड बजाता है ना तो बैंड फाड़ ही देता है, देखना कहाँ थे यार दो कौड़ी का नौकर, भाई दो कौड़ी का नौकर।
अब दुकान का मालिक बनने जा रहा है, अब मैं मालकिन। अब बैठेंगे चौड़े से एकदम दुकान पे फैल के ठकुराइन बन के पान खाते हुए, और तू पीक दान लेके बैठना, हम ऐसे पीक मारेंगे। हाँ, और वही पीक दान ना तेरे मुंह पे मारूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझा? फालतू बातें मत कर। अगर हम सेठ जी के बेटे बन गए तो हमें एलआईसी जी का भाई भी बनना पड़ेगा ना यार। हाँ तो बन जा भाई, कौन सी दिक्कत है भाई बनने में? कौन सा तू यार इलायची जी से प्यार करता? नहीं करता ना, तो फिर क्या दिक्कत इलायची जी का भाई बनने में? भाई तू सोच, इलायची जी का भाई बनते ही तू दुकान का मालिक बन जाएगा, मालिक। मेरे से फालतू बातें मत कर, समझा? ये बात है ही नहीं, मैं यहाँ पर लहंगे बेचने नहीं आया हूँ अपनी पूरी जिंदगी। भाई हम यहाँ पे संगीतकार बनने आए थे, संगीतकार बनेंगे, बस बात हो गई खत्म यहाँ पे, संगीतकार। हाँ तो ठीक है, समेट ले अपना सामान सट्टा, बांध ले बोरिया बिस्तर, क्योंकि कल तेरे नाम बोलते ही सेठ जी तुझे धक्के मार के यहाँ से गेट आउट कर देंगे। फिर बनते रहियो संगीतकार, तब तुम्हारी ऐठ निकल जाएगी। अरे अच्छा खासा मौका मिला यार मालिक बनने का, क्या है बन जाए इलायची जी का भाई। जीजा जी छत पर है। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या? आ रहे इलायची जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए इलायची जी। इलायची जी जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं, और कितने समय तक हैं ये तो नहीं पता, पर आप बताइए यहाँ पर कैसे आप इलायची जी? जीजा जी बोल दीजिए कि आप पापा की बात नहीं मानेंगे। इलायची जी, अब सेठ जी ने साफ साफ शब्दों में बोल तो दिया है कि अगर हमने गलती से भी ना बोला तो वो हमें इस छत से बाहर निकाल देंगे, इस घर से बाहर निकाल देंगे, इस दुकान से बाहर निकाल देंगे। अभी आप ही बताइए हम क्या करें। आप क्यों कुछ करेंगे, जो करना है मैं करूंगी। मैं इस छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी। अरे यहाँ से नहीं, यहाँ से कूदने से तो सिर्फ हड्डी टूटेगी। शर्मा जी की छत 3 मंजिला है, वहां से कूदो एकदम गिरते ही ना प्राण निकल जाएंगे खट से। पिंटू भाभी यहाँ पे चूहे हैं, चूहे, वो चूहे ढूंढ रहे, ऊपर से, ऊपर से चूहे, हाँ चूहे, मैं, हम आपकी रक्षा करते हैं यहाँ पे। हाँ देखो जीजा जी, मैं सच्ची सच्ची बोल रही हूँ, अगर आपने हाँ कहा ना तो मैं छत से जरूर कूद जाऊंगी। अरे यार आपके साथ ऑलरेडी एक दूसरा रिश्ता जुड़ चुका है मेरा, अब ये नया रिश्ता मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हैं जी जी, मेरा मतलब है कि मैं आपको शुरुआत से जीजा जी मान चुकी हूँ, अब ये नया रिश्ता नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सही बात है आपकी, लेकिन अब हम भी क्या करें इलायची जी, अब समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप पे कोई दबाव नहीं है जीजा जी, लेकिन आप अपनी हाँ का नतीजा जानते हैं। यही तो बात है इलायची जी, आप और सेठ जी दोनों हम पे बिना दबाव डाले इतना दबाव डाल रहे हैं कि हमारा दिमाग फट गया, और हमारा दिमाग फटने से सिर्फ आप ही बचा सकती है, क्योंकि आपके खोपड़ी में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उस आइडिया को बाहर निकालिए इलायची जी प्लीज। आइडिया जी, जी अब जरा बाहर चलिए मेरे साथ अभी जी, जल्दी चल चलिए। क्या कर रहे हैं जीजा जी? बस भाई ये पुन्नू की कुंडली तो कुछ और ही कह रही है, मंगल शुक्र के घर में आके बैठा है, शनि सामने से आ रहा है तलवार लेकर, और केतु ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है। इस हिसाब से तो उसकी शादी का योग ही नहीं बनता था। फिर वो चुड़ैल पता नहीं उसके सर पर कैसे सवार हो गई। शनि महाराज आप ही कुछ करो, अब किसका फोन आ गया? हेलो, हेलो आंटी जी, मैं ना इलायची बोल रही हूँ जी, मुरारी बंसल जी की बेटी। हाय मम्मी जी कहने वाली, आज आंटी जी कह रही है। पुत्र तूने इस वक्त क्यों फोन किया, कहीं उस लठ मार ने मेरे पुत्र को कुछ कर तो नहीं दिया? आंटी जी अगर सच्ची बताऊं तो आपका प्योर बॉलीवुड वाली माताओं का दिल है। तो आप कैसे पता चला कि जीजा जी, मेरा मतलब है पंचम आपके बेटे बहुत मुश्किल में, बुरी हालत हो रखी है उनकी। है? क्या हो गया मेरे पुत्र को? मैंने ना उस खसमा नु खानी नलायक की टांगे तोड़ देनी है। अरे नहीं नहीं आंटी, इसमें पिंटू भाभी का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आपके पुन्नू पुत्र है ना जिनको आपने गोदी में खिलाया है, उनको कोई और गोद लेना चाहता है। ना किसकी हिम्मत है जो मेरे पुत्र को गोद ले सके। पापा
वो ना मेरे पापा ना चीचा जी को गोद लेना चाहते हैं। लो जी मेरा पुत्र क्या मसाला पीसने वाला सिलबट्टा है कि आज मेरे पास है कल कोई और मांग कर ले जाएगा। हाँ वही तो आंटी जी, ये तो अन्याय है और आपको जल्द से जल्द यहाँ आके ना इस अन्याय को रोकना ही होगा। अगर आप यहाँ पे टाइम पे नहीं आई ना तो आपकी ममता के पल्लू से जो जीजा जी बंधे हुए थे ना वो आजाद हो जाएंगे और फिर मेरी मम्मी के साड़ी के पल्लू से हमेशा हमेशा के लिए बन जाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको। मजाक है कोई? पंचमी के होते हुए किसकी हिम्मत है जो उसके पुत्र को ले जाए? मैं कल ही आ रही हूँ। ठीक है आप आ जाइए। हाँ जाइए। ओके बाय। सब आप देखते जाओ। अरे बेबी कल